मेरे पीछे है एक नॉर्मल ई रिक्शा, आज हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे हमारे दमदार एनआरजे के ई रिक्शा से। आज हम लोग क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि दोनों ही ई रिक्शा में क्या क्वालिटी है, दोनों के माइलेज क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों में बैटरी जो पड़ती है वो अलग अलग कंपनी की रहती है, दोनों की चार्जिंग स्पीड अलग रहती है, माइलेज अलग रहता है, दोनों की क्वालिटी कैसी है, दोनों के सॉकर कैसे हैं, जो सीट है वो कैसी है, आज हम लोग इन्हीं की बातें करेंगे। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम लोग बताते हैं बैटरी के बारे में, क्योंकि भाई वो तो एक दिल होता है ई रिक्शा का। हमारे एनआरजे में लगी है ईस्टमैन की बैटरी, जो कि आपको बहुत ही बड़ा माइलेज देती है, 140 से लेके 150 किलोमीटर तक की का। यही अगर हम लोग आए एक नॉर्मल ई रिक्शा में, ये आपको आराम से 90 से 100 किलोमीटर तक की का देता है। और इनमें जो बैटरी रहती है वो कंपनी के हिसाब से मैटर करता है, क्योंकि कुछ कंपनी होती है जो भाई लोकली डाल देती है, कुछ होती है जो कंपनी की डालती है। इसमें हालांकि हम लोगों ने पूछा है इसके ओनर से, इसमें थोड़ी सी एक नॉर्मल सी बैटरी पड़ी हुई है, बट हमारे में ईस्टमैन की पड़ी, जिसमें आपको 15 महीने की वारंटी मिलती है। 135Ah की बैटरी है, मतलब 135Ah की। इसको चार्जिंग में आराम से भाई लगता है 6 से 7 घंटे, रात में लगाओ चार्जिंग पे सुबह फुल चार्ज हो जाएगा। अगर दोपहर में खाना खाने भी जा रहे हो ना, तो भाई उतनी देर में इतना चार्ज हो जाएगा कि पूरा दम भर रात तक चलाओगे। बट इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको मिलेगी, 9 से 10 घंटा लगता है, और इसकी चार्जिंग स्पीड भी भाई बहुत ही ज्यादा स्लो है। ये नॉर्मल ई रिक्शा की चाबी है और ये एनआरजे की चाबी है। चलिए क्या डिफरेंस है जल्दी से बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हो एक नॉर्मल सी चाबी और ये दबाया और ये चालू। और यही अब मैं एनआरजे में जाऊँ तो देखिए क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो भाई हमारे में आपको सेंटर लॉकिंग सिस्टम मिलता है, जो महंगी महंगी कारों में रहता है, यहाँ आपको रिक्शा में ही मिल रहा है। ये देखिएगा खुद, ये मैंने लगाई चाबी और पूरी गाड़ी स्टार्ट। आराम से आपको सेंटर लॉकिंग सिस्टम ही मिलता है। मैंने लॉक करी और ये मैंने गाड़ी पूरी लॉक हो गई। और अभी अभी मैंने इसमें देखा कि जो इसमें लगेज रखने के लिए, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें आप देख सकते हो लगेज रखने के लिए भाई बीच में डंडा ही लगा हुआ है, तो भाई गहराई तो है ही नहीं बैग रखने के लिए। और यही हमारे एनआरजे में दिखाता हूँ, इसमें देख सकते हो आराम से आपको गहराई मिलेगी। इधर अगर आप अपने बैग्स रख भी दोगे तो भाई एक गहराई है जिसमें बैग्स अड़े रहेंगे और गिरेंगे नहीं गाड़ी चलते समय, या मोड़ पे भी नहीं गिरेंगे। हमारी आप सीट देख सकते हो भाई, पीयू सीट है, बिल्कुल दबती है, आराम से बैठोगे तो भाई बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है, बिल्कुल राजाओं वाली फील आएगी। और यही अगर आप इसमें जाओगे तो देख सकते हो भाई कितनी ज्यादा टाइट है इसमें बैठने के, तो भाई बैठने तो जमीन में ही बैठ जाओगे, वो भी तो टाइट रहती है, लेकिन एक तो हल्की सी कंफर्टेबलनेस होती है, जो एक थोड़ा सा स्टडी फॉर्म होता है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। और एनआरजे में आप देख सकते हो इधर साइड में हम लोग का हैंड ब्रेक मिला है, बट मैंने ये चीज अभी फोकस करी कि इसमें जो हैंड ब्रेक है ये भाई बिल्कुल बीच में ही दिया गया है। गाड़ी आप चलाओगे और सवारी अगल बगल बैठेगी तो भाई ये बीच में देख रहे हो भाई अलता है और टूटने के भी चांसेस है। सवारियों को इधर से उधर छोड़ोगे बीच में गड्ढे गुड्ढे तो भाई आजकल बारिशों में होते रहते हैं। इसमें मैं दिखाता हूँ कि कैसा सॉकर सिस्टम है। देखो मैं कस के हिलाऊंगा इसको, 7-8 महीने पुराना ई रिक्शा है, तब भी इसके सॉकर इतने ज्यादा टाइट है। और यही मैं अपने एनआरजे का दिखाता हूँ भाई पूरा हिला जा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे जो सॉकर थे वो थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन है, इनके वाले थोड़े से लो क्वालिटी के हैं। पतली पतली गलियों में ई रिक्शा चलते हैं तो भाई मोड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप इसी ई रिक्शा में देख सकते हो, इधर आप देख सकते हो कि मोड़ने के लिए सिर्फ इतना और इतना ही इसका हैंडल मुड़ता है, जिससे पतली गली में मुड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। अब मैं तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन आप खुद ही देख लेना और आप खुद देखो कि ये पूरा इतना मुड़ जाता है और इधर भी इतना ज्यादा मुड़ जाता है। इससे साफ साफ पता चलता है कि भाई छोटी छोटी जो गलियां होती हैं उनमें मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती गाड़ी को। डिजिटल इंडिया बन रहा है तो भाई मीटर भी क्यों ना डिजिटल बने। हमारे एनआरजे में आपको मिलते हैं डिजिटल मीटर्स, यहाँ पे आप अपना स्पीड देख सकते हो, इधर बैटरी लेवल देख सकते हो, और इधर आप देख सकते हो कि गाड़ी कितने ज्यादा किलोमीटर चली है। हमारा अगर आप नॉर्मल ई रिक्शा लोगे या अपग्रेडेड वर्जन लोगे, सभी में डिजिटल मीटर मिलते हैं। और यही आप इसमें देख सकते हो, नॉर्मल भाई देख सकते हो ऐसा लग रहा है स्प्लेंडर बाइक का इसमें मीटर लगा हुआ है। नॉर्मल ई रिक्शा की आप हेडलाइट देख ही सकते हो, मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं चमक रहा है। और यही मैं अपने एनआरजे का दिखाता हूँ, ये अरे दादा इतनी गर्म लग रहा है, इतनी तेज लाइट है इसमें। हमारे एनआरजे में आपको मिलती है एक DSLR लाइट, और हमारे ई रिक्शा में आपको कैबिन में एक अलग से लाइट मिलती है, वही आप उधर देख लो जाके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद ही देख लो। आ जाओ आ जाओ, कैमरा मैन इधर आओ, जल्दी फोकस करो, आपको यहाँ तो ही भी लाइट दिख रही है, दिखेगी नहीं क्योंकि है ही नहीं। और इसमें आप देख सकते हो जो स्टील के पिलर थे ये कितने ज्यादा मोटे हैं, और इसी में आप देख सकते हो इसमें कितने ज्यादा पतले, अगर कोई भी छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ तो आराम से मुड़ जाएगा। पूरे दिन मेहनत ही करते रहोगे क्या, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही है। हमारे एनआरजे में आपको मिलते हैं एनआरजे के खुद के ओन्ड ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम, और यही अगर आप नॉर्मल में देखो तो भाई देख सकते हो आराम से रस्सी बंधी हुई है, और ज्यादा पुराना नहीं है ये, और इसमें एक नॉर्मल
ही आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है। और इधर आप लोग देख रहे हो MRF, हमारे ई रिक्शा में होते हैं MRF के टायर, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे। और जो नॉर्मल ई रिक्शा रहते हैं भाई, इनमें नॉर्मल ही टायर्स रहते हैं। ब्रांडिंग करने में भाई हम लोग पीछे नहीं है, दिखावटी में बिल्कुल आगे रहते हैं। ये देखिए NRJ का लोगो लगा हुआ है और लाइट जलती है भाई, ये देखिए, ये ला भाई NRJ का सिस्टम। क्वालिटी, माइलेज, बैटरी मैंने सब आपको बता दिया, सब आपके सामने ही है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको एक नॉर्मल ई रिक्शा चाहिए या NRJ का दमदार ई रिक्शा चाहिए। हमारे टोटल 3 मॉडल रहते हैं और अगर आपको ये ई रिक्शा खरीदना है तो ये नंबर है। 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट में आप इस ई रिक्शा को अपने घर ला सकते हो। हमारे फाइनेंस पार्टनर है इंडसइंड बैंक, बाइक बाजार और भी बहुत सारे। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के NRJ का डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हो तो भाई और ही ज्यादा अच्छी बात है। ये नंबर आपको दिया गया है, जल्दी से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मुझे पता है कि दोनों ई रिक्शा में आपने NRJ को ही चूज करा होगा, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, NRJ का वादा, कम लागत कमाई ज्यादा, NRJ नाम ही काफी है।